नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। डिब्रूगढ़ रेलवे यानी कि रेल हादसे का शिकार हो गई है। गोंडा से 27 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 2:37 पर यह हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। तो वही आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरने की आशंका है। फिलहाल इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हादसा गोंडा और झुलाई के बीच पिकौरा के पास हुआ। मौके पर रेस्क्यू टीम को भेजा गया है और इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में घटना स्थल पर पहुंच गई है। इसके अलावा यूपी सरकार ने गोंडा और उसके अलावा आसपास के सभी अस्पतालों को इमरजेंसी मोड पर रखा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि लगातार इस पूरे मामले में रेस्क्यू जारी है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ बलरामपुर से एनडीआरएफ की एक एक टीम रवाना कर दी जा चुकी है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ट्रेन हादसे में राहत बचाव कार्यों में लगाई गई 5 एम्बुलेंस और एम्बुलेंस की मौके पर भेजने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। लगातार इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से मौके पर डॉक्टर की टीम घायलों की लगातार इलाज जारी है और इस बीच गंभीर घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बताया जा रहा है। यूपी के गोंडा में दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है और जिसके बाद लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं, हादसे में 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 40 सदस्य वाली मेडिकल टीम पहुंच चुकी है मौके पर। लगातार बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार पूरे मामले में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 40 सदस्य वाली मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहीं शुरुआती जानकारी के मुताबिक 12 डिब्बे पटरी से उतरने की आशंका है। फिलहाल इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। हादसा गोंडा और झुलाई के बीच पिकौरा के पास का बताया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू टीम भेजी जा चुकी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं बलरामपुर से एनडीआरएफ की एक एक टीम रवाना कर दी जा चुकी है। ट्रेन हादसे में राहत बचाव कार्यों में 5 एम्बुलेंस लगाई गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस को मौके पर भेजने के आदेश जारी कर दिए गए और लगातार पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव नजर आ रहा है। मौके पर डॉक्टर की टीम घायलों का इलाज कर रही है। उस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही, गंभीर घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा चुका है। उस बीच लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब एनडीआरएफ की एक एक टीम रवाना कर दी जा चुकी है बलरामपुर से, तो एम्बुलेंस भी लगातार मौके पर पहुंचाई जा रही है। ट्रेन हादसे में राहत बचाव काम लगातार जारी है। 5 एम्बुलेंस लगा दी जा चुकी है। एम्बुलेंस को मौके पर भेजने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मौके पर डॉक्टर की टीम घायलों का इलाज कर रही है। वहीं गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। वहीं डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार पूरे मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। तो वहीं पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 40 सदस्य वाली मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा
आपको बता दें कि 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, जबकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया जा चुका है। बड़ी अपडेट आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां लगातार इस पूरे मामले में प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, तो वहीं इसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार लखनऊ से में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा, बड़ी अपडेट प्राइम टीवी के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। इसके अलावा जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया जाए, इसके निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक की मेरी जानकारी के मुताबिक 4 यात्रियों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वहीं प्राइम टीवी के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे, वो मंजर है, वो घटना का जो आलम था, उसके बाद जो तस्वीरें हैं, जिस प्रकार से हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे। जिस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, आला अधिकारी मौके पर मौजूद है, पूरी तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा मुख्यालय गोरखपुर में है, और उसी बीच वहीं से ये बड़ा हादसा हो गया, उसी क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। इसमें जांच में क्या कुछ सामने आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो 10 से 12 पटरियां ट्रेन यानी कि ट्रेन की डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं, उसके बाद जो अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला है, वो हर किसी की रूह कपाने वाला था। बड़ा हादसा हुआ है, हादसे को लेकर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री हो, डीजीपी हो, या फिर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी अस्पताल की यानी कि सभी अस्पतालों को एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं, और कोई भी लापरवाही कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। जिस प्रकार से सीएमओ की ओर से भी ट्वीट किया गया है, और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य पूरा किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। मौके पर आला अधिकारी मौजूद है, जैसे कि अभी हमने बताया कि लखनऊ से टीमें भेजी गई है, इसके अलावा एम्बुलेंस 15 भेजी गई है। कोई भी कोताही प्रशासन की ओर से बरती नहीं जा रही है, हर वर्ग से लगातार एक्टिव मोड देखने को मिल रहा है, कोई भी कोताही बरतता हुआ प्रशासन नजर नहीं आ रहा है, लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। उस बीच यात्रियों की दास्तां आपको सुनाती हूँ। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है एआरएमई, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पर पहुंच गए हैं, महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं, जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं, राहत बचाव का कार्य जारी। ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहां राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की सूचना? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्जन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। मोतीगंज से झिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है एआरएमई, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957
40922। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं, महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं, जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं, राहत बचाव का कार्य जारी है। ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं, और राहत बचाव की जो टीमें हैं रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं, मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सब कोई ट्रेनें बाधित हैं अभी इसके लिए? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्सन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। आपने सुना कि प्रशासनिक अधिकारी पूरा तरह से मौजूद नजर आ रहे हैं और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जा चुका है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जानकारी दी है उन्होंने। और आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक अभी तक जो जानकारी सामने आ पा रही है तो 5 यात्रियों की मौत की सूचना सामने आई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वही ये हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जा चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो बड़ी अपडेट ये सामने आ रही, 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी भी दर्द को आप पूरी तरह से कहे गुड बाय, क्योंकि वाइटालिटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए लेकर आया है ऐसा उपाय जिससे आप अपने पुराने से पुराने दर्द को जाएंगे भूल। पता 3/431 विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ, मोबाइल नंबर 9792373455। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40 गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज, अनुभवी डॉक्टर्स के साथ आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631870738134 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आपकी फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है, इस सुविधा के लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब लखनऊ, हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव बख्शी का तालाब। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में, कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहां पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, नी संतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख।
जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता, अशरफ विहार कॉलोनी।